आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने को यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। हमारे शहर में पिछले 75 साल में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं। जैसे आपके घर से भी 3 बार MLA रह चुके, मेयरशिप भी आपके घर में रही है, उसके बावजूद शहर में तरक्की नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले मैं मालेगांव शहर की आवाम को 15 अगस्त की 74 साल आज हमने पूरे किए और 75 साल में हम लोग दाखिल हो रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मैं आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और आपका जो सवाल है कि मालेगांव शहर इन 75 साल में क्यों तरक्की नहीं किया, अगर आप इतिहास देखें तो मालेगांव के पहले MLA से लेकर अभी तक, और पहले नगर परिषद थी, बाद में म्युनिसिपल काउंसिल हुई और अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुई, जितने भी सदर बल्दिया गुजरे, लेकिन शहर के जो नुमाइंदगी करने वाला जो MLA होता है, जो शहर जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजता है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इन 75 साल में निहाल अहमद साहब को असेंबली के अंदर चुनकर दिया गया। और निहाल अहमद साहब हमेशा एक मर्तबा शायद वो इक्तदार में रहे, महाराष्ट्र की हुकूमत में वजीर रहे, लेकिन उनका ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर वक्त अपोजिशन के अंदर गुजरा, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर। और अपोजिशन का MLA चुनकर जाता है तो वो काम नहीं कर पाता या काम करना नहीं चाहता, ये उस शख्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मेरा जाती तौर पर ये मानना है कि मालेगांव शहर की आवाम की एक जहन साजी कर दी गई है, उनको उलझा दिया गया है, ना डेवलप सोचे, न तालीम का विकास सोचे, न शहर का विकास सोचे, न सनत का विकास सोचे, न अच्छी सहूलत शहर की आवाम को मिले, ये सोच से बिल्कुल हटाकर बाजू में रखते हुए सिर्फ वो जज्बाती सियासत और जिंदाबाद मुर्दाबाद और छोटे छोटे मसाइल के ऊपर शहर की आवाम का वक्त बर्बाद किया गया और उसकी एक सोच बना दी गई हुकूमत के खिलाफ, चाहे वक्त की कोई भी हुकूमत हो, कि हुकूमत काम नहीं करती, हुकूमत फंड नहीं देती, हुकूमत तासुब करती है, ये मैं नहीं मानता हूँ। उस शख्स के ऊपर होता है जो MLA होता है, अगर उसके अंदर सलाहियत है, अगर उसके अंदर काम करने की लगन है, तो हुकूमत किसी की भी हो फंड लाया जा सकता है। और मैंने वो करके बताया हूँ, जो मैं 5 साल रहा, हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की थी, वजीर आला भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके बावजूद भी मैंने फंड लाकर ये शहर को बताया है कि अपोजिशन में रहते हुए भी काम किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव शहर की आवाम को अब सोच बदलना पड़ेगी। जो जहन बना दिया गया जिंदाबाद मुर्दाबाद हुकूमत के खिलाफ, तो इससे थोड़ा हट के अब सोचना पड़ेगा शहर की आवाम को। ये वक्त हमारा बहुत बड़ा वक्त ज़ाया हो गया है, बर्बाद हो गया है। हारून अहमद अंसारी साहब, शब्बीर सेठ साहब, आयशा हकीम साहिबा कांग्रेस पार्टी से MLA रहे, उन्होंने शहर को स्प्रिंग मिल दिया, शहर को जनता बैंक दिया, शहर को तालीमी अदारे दिए,
आयशा हकीम साहिबा ने फिल्टर प्लान दिया, ये तमाम ही चीज जो शहर को तरक्की की तरफ ले जाने वाली थी, लेकिन उनको वक्त कम मिला, जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की। शेख रशीद साहब को 10 साल मिले, शेख रशीद साहब ने गिरना डैम स्कीम दिया, हॉस्पिटल के लिए कोशिश की। जो शहर के अंदर आज कुछ नज़र आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के हमारे बुजुर्ग एमएलए रहे, शेख रशीद साहब रहे या मैं, जो भी नज़र आ रहा है ये कांग्रेस पार्टी की, हमारे लीडरान की ही देन है। लेकिन एक अपोजिशन का नुमाइंदा चुनकर जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शहर को मजहबी जज्बात से हमेशा खेला जाने लगा, खेला गया, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया गया, उसके बाद अभी वापस वही दौर शुरू हुआ कि मुसलमानों को जज्बात मिलाकर वोट हासिल करना और शहर का नुकसान करना सिर्फ अपने कुर्सी हासिल करने के लिए। अब शहर को, आवाम को कुछ हटकर सोचना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगी, जब जाकर ये शहर का डेवलप और विकास हो सकता है। एक बहुत अहम चीज़ मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए शहर की आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं। शहर की आवाम सोचे, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलतियां हैं वो आवाम तक, आवाम के सामने आना चाहिए। शहर अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो डेवलपमेंट प्लान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी शहर को डेवलप अगर आप देखना चाहते हो या शहर को डेवलप करना चाहते हो तो शहर का डेवलपमेंट प्लान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुई और पहला डेवलपमेंट प्लान आया, और उस वक्त जनता दल के मेयर रहे, मैं आज उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस वक्त की स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके अंदर 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के और 4 आर्किटेक्ट इंजीनियर, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई शहर का डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। आज अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है, शहर का डेवलपमेंट प्लान बनाना ये हर 5 साल में बदलता नहीं है। शहर का डेवलपमेंट प्लान जब बनता है, तैयार होता है, तो 25 साल वही डेवलपमेंट प्लान लागू रहता है, उसके बाद तब्दील होता है नया। तो ये 25 साल तो हमारा ऐसे ही गुजर रहा है। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल की जगह रिजर्वेशन चाहिए था, गार्डन के लिए ज़मीन रिजर्वेशन चाहिए था, स्कूल के लिए रिजर्वेशन चाहिए था, प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन चाहिए था, शादी हॉल के लिए बड़े बड़े रिजर्वेशन चाहिए था, कब्रस्तान के लिए रिजर्वेशन चाहिए था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्वेशन चाहिए था, मॉल बनने के लिए, हॉकर जोन के लिए रिजर्वेशन चाहिए था, छोटा मोटा रोजगार के लिए। आप देखिए कि कहीं हमको नजर नहीं आता, और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उस वक्त हुआ। कई आर्किटेक्ट को, कई इंजीनियरों को तो शहर छोड़कर चले जाना पड़ा, और ताज्जुब की बात है कि शादी हॉल का रिजर्वेशन खाली जमीन के ऊपर डाला जाना चाहिए था, रिजर्व करना चाहिए था, फिल्टर प्लान के अंदर रिजर्वेशन डाल दिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान का शहर का 20% जमीन के ऊपर रिजर्वेशन डाला जाना ये कानून है। लेकिन वो कहां डाला गया, जो जमीन को रिजर्वेशन किया जाना चाहिए था उस वक्त, जो जमीन खाली थी, चाहे वो कोई भी बड़े सेठ की क्यों ना हो, कोई भी बड़े उद्योगपति की क्यों ना हो, उस पर रिजर्वेशन डाला जाता तो कॉरपोरेशन खरीदती थी और उसको डेवलप किया जाता था। लेकिन हुआ ये कि वो 20% रिजर्वेशन झोपड़पट्टियों पे डाल दिया गया, दातार नगर, मास्टर नगर, फिरदौसगंज, नुमानी नगर, उस इलाके के अंदर ज्यादा रिजर्वेशन डाल दिया गया, और कुछ हिस्सा
जहां पर बना हुआ है, डोला हुआ है, जहां बस्ती है, घर है, ये शहर आज जो तरक्की से रुका हुआ है, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी वजह ये भी रही है, ये शामिल है। अब आइंदा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, उन लोगों को नया डेवलपमेंट प्लान बनाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता कि वो कैसा डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। अहम चीज जिम्मेदारी शहर की आवाम को अब तय करना, किसको देना है। शहर की आवाम को तय करना है कि आइंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इक्तदार कैसे लोगों को सौंपना चाहिए, या 2002 की बॉडी चाहिए जो नुकसान शहर का हुआ, या अब नए सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। शहर की आवाम, मैं शहर की आवाम से यही अपील कर रहा हूं, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, मैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही बात बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, शहर के नौजवानों को समझा रहा हूं, और जब मैं ज़मीनी लेवल के ऊपर शहर के मैं फील्डों के ऊपर जाऊंगा, आवाम से मुलाकात करूंगा, तो शहर के आवाम से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि शहर की आवाम एक मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत आप लोग दे। आपने 75 साल हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग पार्टियों को सत्ता दी, इक्तदार दिया, मेरा वक्त मेयर का शहर की आवाम ने देखा है। मैं कम उम्र मेयर बना और शहर की आवाम ने मेरे कामकाज का देखा है कि मैं किस तरीके से कामकाज करता हूं, चाहे एमएलएशिप का देख लीजिए, चाहे मेयरशिप का देख लीजिए। आज जो तुमको पानी की टंकियां नजर आ रही है शहर में, पहले 17 पानी की टंकियां थी, अभी कई पानी की टंकियां हो गई। पहले शहर महदूद था, पानी की पाइपलाइन मुजाफात के अंदर पानी की बहुत तकलीफ थी, मोर्चा कॉरपोरेशन पर जाया करता था। आज हर वो मुजाफात की बस्ती के अंदर पानी की पाइपलाइन आई, वो स्कीम भी मैंने ही मंजूर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और शहर के अंदर अनेक तामीरी काम मैंने उस वक्त किया, और मैंने हिसाब शहर की आवाम को उस वक्त भी दिया, 5 साल एमएलए रहा उसका भी हिसाब दिया। शहर ने जो जज्बात में आकर, चाहे मजहबी जज्बात, चाहे मुल्की हालात का फायदा उठाकर जज्बात में लाकर वोट तो ले ली गई, लेकिन ये 2 साल के अंदर कितना शहर का नुकसान हुआ, शहर की आवाम अपनी आंखों से देख रही है, समझ रही है। एक मर्तबा शहर की आवाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इक्तदार सौंपे, इंशाल्लाह जरूर मुझको जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर अगर यहां मेयर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहेगा, इक्तदार रहेगा, तो हुकूमत आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की है, और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब है, एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब है, और हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी हमारी अपनी है, हमारी पार्टी की। तो हम ज्यादा से ज्यादा फंड लाकर शहर को जो देना हम चाहते हैं, जो शहर के रास्ते अच्छे बने, शहर के अच्छी सहूलत मिले, शहर एक दूसरे नासिक और दूसरे शहरों की तरह हमारा शहर भी नजर आए, शहर की आवाम को हमको एक मौका देना चाहिए। यहाँ अगर इक्तदार मिला तो हम हुकूमत से, हमारी हुकूमत रहेगी तो फंड ज़्यादा से ज़्यादा हम ला सकते हैं, और शहर का विकास और शहर का डेवलप हम कर सकते हैं। मैं ये यकीन शहर की आवाम को दिलाना चाहता हूँ कि एक मरतबा हमको मौका दीजिए, तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर मैं, हमारे जितने कॉरपोरेटर चुनकर आएंगे उनको विश्वास में लेकर, उनको साथ में लेकर शहर का विकास, शहर का डेवलपमेंट हम करेंगे। और डेवलपमेंट प्लान जो हमारा बहुत खराब बना हुआ है, वो भी मौका आएगा, अगर आप मौका देंगे तो एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान हम लोग दूसरी सिटी की तरह बना सकते हैं और हुकूमत से मंजूर करवा सकते हैं, और हम लोग, हुकूमत हमारी पार्टी की रहेगी तो हम लोग मंजूर करवा सकते हैं। और एक अहम बात मैं बोलना चाहता हूँ माफ़ी के साथ, असल में काफ़ी सियासी मेरे मुखालिफ हमेशा मुझ
मुझ पर नाराज रहते हैं, खास तौर से कॉरपोरेटर हजरात मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं जब मेरे को मालूमात मिलती है या जब मैं देखता हूँ समझता हूँ तो मैं ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ। अब मेरे खिलाफ के अंदर माहौल बनता है, मैंने कभी भी उसकी परवाह नहीं किया और ना आइंदा मैं करूँगा। शहर की आवाम को मैं बात बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर अगर कॉरपोरेटर ठेकेदार बन जाएंगे तो ये शहर कभी तरक्की नहीं करेगा, और ये परंपरा चली आ रही है कि कॉरपोरेटर चुन कर जाता है और वहाँ ठेकेदार बन जाता है, और उसके बाद फिर वो अधिकारियों पे दबाव बनाकर गलत काम करवाता है। उसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी पार्टी के लोग इसके अंदर मुलविस हो जाते हैं बाद में जाने के बाद। तो ठेकेदारी अगर जब कॉरपोरेटर छोड़ देंगे तो जब ये शहर तरक्की करेगा और क्वालिटी का काम जब ही आपको नजर आएगा। और एक अहम चीज, मैं ऐसा मानता हूं कि शहर का अगर क्वालिटी का काम नहीं मिल रहा है, अगर रोड क्वालिटी की नहीं बन रही है, अगर गटर क्वालिटी की नहीं बन रही है, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिटी इंजीनियर या साइड इंजीनियर जो वार्ड इंजीनियर होते हैं, वो जो भानकाम विभाग है ये जिम्मेदार है। ये भी भ्रष्टाचार के अंदर मुलविस रहते हैं। अभी तो मानधन के इंजीनियर लगाए जाते हैं, वो घर बैठकर बोगस बिल रिकॉर्ड करते हैं। इंजीनियर चोर है, सिटी इंजीनियर चोर है, साइड इंजीनियर वार्ड इंजीनियर चोर है, और मानधन के ऊपर भी इंजीनियर चोर है। इनकी तो इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की भी इंक्वायरी होना चाहिए और इनकी मुकम्मल बायोडाटा इनका निकालना चाहिए कि जब ये सर्विस पे लगे तो इन्होंने हमी पत्र एफिडेविट देना पड़ता है इनको कि कितनी प्रॉपर्टी है, या तो इनका ही पहले व्हाइट पेपर सामने आना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी पहले कितनी थी आज कितनी है और कहाँ कहाँ है महाराष्ट्र के अंदर। वो सब जानकारी मेरे पास है, वक्त आने के ऊपर ज़रूर मैं इंक्वायरी की मांग तो करने वाला हूँ। तो शहर का अगर नुकसान होता है तो ये इसके जिम्मेदार भानकाम विभाग भी है। अगर शहर का डेवलप हमको अच्छा करना है, जहां पर हमको सिस्टम बदलना पड़ेगा, भानकाम विभाग का सिस्टम बदलना पड़ेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि डेपोटेशन के ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप दो मंगाइए, कम से कम दो, और जूनियर इंजीनियर भी आप एक 10 लोगों की टीम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जब मंगाए, और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक कड़क ऑफिसर भी हमारे शहर के अंदर होना चाहिए, ये सब डेपुटेशन पे मंगाए जाए, क्वालिटी मिलेगी। फर्क आपको सामने नजर आता है, पीडब्ल्यूडी के काम की क्वालिटी देखिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम की क्वालिटी देखिए, इसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। तो सिस्टम जहां हमको एक सियासी तौर पर बदलाव लाना पड़ेगा, वहीं हमको सरकारी तौर पर डिपार्टमेंट का भी बदलाव लाना पड़ेगा, जब जाकर ये शहर तरक्की करेगा। और शहर के आवाम ने अगर हमको मौका दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इस शहर को एक अच्छा शहर, एक खूबसूरत शहर, एक डेवलप वाला शहर हम बनाने की हम कोशिश करेंगे और बना के बताएंगे। अहम बात मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि ये 2 साल में जब से कोरोना की शुरुआत हुई, जहां तक मेरी मालूमात है, हो सकता उसके अंदर थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे इतराफ़ के डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो पूना हो, चाहे नासिक हो, चाहे नंदुरबार हो, ये अतराफ के डिस्ट्रिक्ट भी, और पूना, मुंबई, ठाणा, कल्याण, भिवंडी, यहाँ के
वहाँ के रहने वाले यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं, और मेरा जो सर्वे है, जो मेरी मालूमात है कि हर महीने 200 नए परिवार यहाँ पर बस रहे, आके प्लॉट ले रहे, मकान बना रहे, क्योंकि कोरोना के अंदर जो हमारे शहर के डॉक्टरों की जो खिदमत रही, जो सोशल वर्करों की खिदमत रही, और जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया, क्योंकि बाहर बहुत परेशानी उठाना पड़ी, तो इसके लिए शहर की तरफ काफ़ी लोग आबाद हो रहे हैं, नई आबादी बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों को फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा हदों वाले इलाके के अंदर। और इसके लिए एक बहुत जिम्मेदार शहरी होने के नाते पूरे शहर के आवाम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि किसको इक्तदार सौंपना चाहिए और किस तरीके से शहर का डेवलप होना चाहिए, ये शहर के आवाम के ऊपर डिपेंड। से, 10 से लेके 50% की छूट।